हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे सभी ठाकुर भक्तों को मैं प्रणाम। कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी को ठाकुर जी की ये बहुत ही सुंदर सी मेरी पोशाक सच में बनी है और सच्ची में आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी बन के तैयार हुई है। तो यही हम बनाने वाले हैं और सिंपल मटेरियल का इस्तेमाल करके हम ये सारी पोशाक बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 12 इंची का बेस लिया है जो कि 6 नंबर के गोपाल जी के लिए यूज़ होता है। और ये इसके बैक साइड में मैंने अस्तर भी लगाया है और फ्रंट साइड से नेट का कपड़ा लगा के इसको बनाया है। तो काफ़ी बढ़िया से बन के तैयार हुआ है ये। ये बनाने का तरीका हमने देखा हुआ है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि इसको कैसे बनाना है। इसके रिलेटेड हमने एक लाइव सेशन भी देखा है और वीडियो भी देखा है, तो दोनों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए कुछ पैचेस बनाने हैं, यानी कि कुछ डेकोरेशन बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक काजू कतली के शेप में एक ड्रॉ कर लिया है कार्डबोर्ड के ऊपर, थीन कार्डबोर्ड शीट है, या फिर आप पेपर या फिर बुकरम के ऊपर भी कर सकते हैं। बस मैंने शेप निकालने के लिए ये ऐसे किया है। तो आप पर्टिकुलर इस टाइप में कोई भी एक शेप पकड़ ले और बना ले। और इसको मैं जो हूँ अभी बुकरम के ऊपर, बुकरम ये मटेरियल होता है उसके ऊपर मैं इसको ड्रॉ करके जो है इसको कट कर दूंगा। तो मैंने काजू कतली का शेप ड्रॉ किया है, आप किसी भी शेप में वगैरह कट करके या फिर ड्रॉ करके इसको बना सकते हैं। तो इसको हम लोग कट कर देंगे और देख सकते हैं मैंने ये जो पीस है वो कट कर लिया है। और इसका अगर मैं मेजरमेंट आपको बताऊँ तो लगभग 1.5 इंच के करीब में इसका मेजरमेंट है। तो साइड में 1.5 इंच का, एक साइड 1.5 इंच का है, यानी कि चार बाजू पूरी 1.5 इंच की मैंने लेके इसका एक ऐसे काजू कतली का शेप में बनाया है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें भी बनाना है। और अभी हमें इस काजू कतली का शेप जो हमने बुकरम पे कट किया है उसके ऊपर कुछ क्लॉथिंग का, कपड़ों का जो है डिज़ाइनिंग करना है। इसके लिए मैंने एक रेड फैब्रिक लिया है और बांधनी में ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया है। ये कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप, एकदम ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, रेड ग्रीन एंड येल्लो। हमारे गोपाल जी के पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो बस मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है। तो कटिंग आपको इस तरीके से करनी है, मैंने रेड कलर का फैब्रिक मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो कटिंग आपको ऐसी करनी है कि जो आपने कतली बनाई है काजू कतली, उसके आउटर में आधा आधा इंच ज़्यादा रहे, एक्स्ट्रा रहे, ताकि हमें चिपकाने में आसानी जाए। ग्लूगन की हेल्प से मैं इसको चिपका रहा हूँ, आप चाहे तो किसी भी इससे ग्लू से चिपका सक्ते हैं, जैसे कि फेविबॉन्ड है, फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू है, तो दोनों में से आप किसी भी ग्लू से ऐसे इसको चिपका सकते हैं। तो चारों बाजू से चिपका देंगे इसको और इसको एक तरीके से कवर कर देंगे और हमारी काजू कतली लाल कलर की तैयार हो जाएगी। बस आप, मैंने यहाँ पे फैब्रिक जो है रेड ग्रीन कलर लिया है, आप इसकी जगह पे रेड ब्लू भी ले सकते हैं या फिर ग्रीन ब्लू भी ले सकते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे मोती की लेस ली है जो जिसके साइड में मोती लगे हुए होते हैं, और ये लेस जो है मैं इसके साइड से चिपका रहा हूँ ताकि इसको और हेवी लुक आए। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मैं इसको लगाते हुए चिपका रहा हूँ। तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे साइड से मोड़ देंगे और मोड़ के पीछे साइड में ग्लू लगा देंगे। तो हमेशा ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि एक मोती जो है इसमें से निकल ही जाता है। तो ये इसी टाइप की लेस बनी हुई होती है, तो इसको भी हम पूरा जो है इस टाइप से कवर कर देंगे या फिर चिपका देंगे। ठीक है, तो ये देखिए चिपक गया, चारों बाजू से हमें सेम चिपकाना है। अभी मैंने यहाँ पे जो बांधनी का फैब्रिक लिया है वो हमें इसके ऊपर डेकोरेशन करना है। तो लगभग यहाँ पे मैं मेजर करके बताऊँ तो 2 इंच का स्क्वायर है, यानी कि हर एक बाजू से 2-2 इंच का लेके हमने स्क्वायर कट किया है। अब इसको हमें क्या कर देना है, बीच में से मोड़ देना है, एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे, मतलब ट्राइंगुलर शेप में मोड़ना है हमें इसको। और मोड़ने के बाद में इसके बीचों बीच में ग्लू लगा देंगे, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है उसके साइड में ऐसे नीचे ग्लू लगा देंगे ऐसे। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं, और जहाँ से ये 2 हिस्से छूट रहे हैं इसके, वो पहले शेप को हम ऐसे मोड़ देंगे और इसको अच्छे से पकड़ेंगे। ध्यान से, ग्लूगन गर्म होती है तो ग्लूगन का चटका ना लगे, इस वजह से ऊपर से थोड़ा सा ऐसे अपने ऊपर के हाथों से ऐसे पकड़ना है, उसको टच नहीं करना है जहाँ पे हमने ग्लूगन लगाया है। ऐसा चिमटा वगैरह लेके उससे हमें इसको दबा देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है ग्लूगन से आप नहीं कर पाएंगे तो सिलाई कर दीजिए, वो भी बेटर रहेगा। तो ऐसे हमें 5 पंखुड़ियाँ बनानी है एक पैच के लिए। तो ये जो पंखुड़ियाँ हमने बनाई है उसको हमें पैच के पीछे साइड में चिपका देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ के चिपकाना है जैसे हमने जो जॉइंट लगाया है वो आगे साइड में आए,
यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर एक पैटर्न बन के आया है वो आगे साइड में आ जाए, उस टाइप से हमें जिसको चिपकाना है, और प्लेन वाला हिस्सा हमें बैक साइड में रखना है, ठीक है। तो ये बस चिपक के रेडी हो गया, हमारा पैच जो है बन के तैयार है। अभी मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास गोटा वाली लेस है जो कि आपको 1-2 रुपये मीटर के हिसाब से मिल जाती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती ये वाली लेस। तो ये वाली लेस जो है हम इसके ऊपर एज अ बॉर्डर चारों बाजू में लगा देंगे, ठीक है। तो इसको जैसे हमने लेसेस लगाई है दूसरी सेम उसी टाइप से हमें इसको ऐसे मोड़ते हुए कॉर्नर पे इसको लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए मेरी ये लेस पैच जो है मेरा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, इतने पे ही, ठीक है। मैंने इसको और डेकोरेशन करना है बिकॉज थोड़ा सा हेवी लुक आए, जन्माष्टमी के लिए मैं इसको बना रहा हूँ, तो जन्माष्टमी में तो थोड़ा हेवी बनता ही है। अगर आपके पास ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको मैंने दिखाया, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर स्टोन चेन लगा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने गोटा लगाया था गोटे के ऊपर से मैं स्टोन चेन लगा रहा हूँ बारीक वाली, तो जिससे कि ये लुक जो है और बेहतर लगेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसे स्टोन चेन के पहले से नाप के कटिंग्स कर लिए थे, तो ये एक एक कटिंग जो है मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। तो बॉर्डर बन जाएगी और बीचों बीच में मेरे पास में एक पैच है, तो वो भी मैं लगा रहा हूँ। लॉन्ग वाला पैच लेना है आपको, लंबा वाला थोड़ा सा लंबा साइज़ में होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास में ये है तो ये यही मैं लगा रहा हूँ। अगर आपके पास गोल्ड में है तो गोल्ड में लगा सकते हो, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो फाइनली मेरा पैच बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना हेवी लुक में और कितना प्यारा लग रहा है। जितना भी मैंने मेजरमेंट दिखाया है आपको, आप छोटा बड़ा बना सकते हैं इसको। आपकी कतली आप छोटी बनाइए, आपकी कलियाँ आप थोड़ी छोटी बनाइए, छोटा बन जाएगा। कतली बड़ी बनाइए, कलियाँ थोड़ी सी बड़ी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करिए, पैच बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से आपके ठाकुर जी के छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से करना है। टोटल मैं यहाँ पे 9 पैचेस बना रहा हूँ। टोटल मिला के मेरे पोशाक में मैंने गिना था, जब मैंने कतली बनाई थी तो रख के देखा था, तो टोटल मेरे को 9 पैचेस लगने वाले थे, तो उसी हिसाब से मैंने अंदाजे से 9 पैचेस बनाए हैं, ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप उस हिसाब से बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये सारे पैचेस जो है आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी ड्रेस के ऊपर ही रखे हैं मैंने। अब इन पैचेस को हमें पोजीशन में रख के देखना है कि आपके पैचेस सही में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 9 पैचेस जो है एकदम परफेक्ट मेरे बनके तैयार हुए थे, और बीच में एक स्टार शेप भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ वहाँ पे एक मार्क लगा रहा हूँ, ताकि मुझे गोटा वाली लेस लगानी है। तो यहाँ पे इस टाइप से हम पूरे इसके अंदर मार्क लगा देंगे, और जो हमने पैच का बीच वाला हिस्सा है, यानी कि दोनों के बीच वाला हिस्सा है इस टाइप से, यहाँ पे भी हमें इस टाइप से मार्क लगा लेना है। पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एकदम हल्का सा मार्क जो कि सिर्फ हमें दिखाई देगा, उस हिसाब से हम इसके ऊपर मार्क लगा देंगे। तो अभी जिस जिस जगह पे भी हमने मार्क लगाया है, देखिए इस टाइप से मैंने मार्क लगाए हैं, और जहाँ जहाँ पे भी हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हमें क्या करना है, ऐसे गोटा पट्टी लेनी है जो हमने पैच के अंदर इस्तेमाल करी थी। आप स्टोन चेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जगह पे, मगर ट्रस्ट मी गोटे का लुक काफ़ी सुंदर लग रहा था लास्ट में जब मैंने बनाया था। तो बस जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ पर हमें ग्लू लगाना है, और ग्लू लगा के हमें इस टाइप से इसको चिपका देना है, ठीक है। तो गोटे भी मैंने थोड़े छोटे ही कट करे हैं, पूरे लंबे में नहीं कट करे, जहाँ तक मैंने मार्क लगाया उससे थोड़ा सा नीचे तक मैंने इसको चिपकाया है, ठीक है। तो पूरा हमें इसी टाइप से जाते हुए एक छोटा एक बड़ा होगा, तो उस हिसाब से हमें इसको चिपकाते हुए पूरा चिपका देना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, बड़े बड़े वाले चिपका दूंगा, फिर बाद में जो बीच में छोटे छोटे वाले हैं जो कि मिडल पार्ट में बनने वाले हैं वो भी मैं इसको इसी टाइप से चिपका दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं बड़े वाले चिपका के फिर छोटे वाले चिपकाऊंगा, और फिर जो हमारे पैचेस हमने लगाने हैं साइड से, फिर वो पैचेस हम फिर से एक बार अरेंज करके देखेंगे इसी टाइप से जैसे हमने पहले देखे थे, और एक एक करके पैच जो है हमें चिपका देना है इसके ऊपर। तो देख सकते हैं ये हमने पूरा इसके ऊपर लगाया भी है और चिपकाया भी है। यहाँ पे मेरे से गलती से शूट होना रह गया था, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया, फिर आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं ड्रेस बनाने में इतना बिजी हो गया था कि मैंने भूल गया कि मैंने कैमरा ऑप्शन चालू किया है या नहीं किया है। अभी मैं इसको जो है चिपका रहा हूँ यहाँ पे ऐसे। तो पैचेस को मैंने बस जिस टाइप से लगाना है उस टाइप से लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मेरी पोशाक बन के तैयार हुई। सच्ची में दोस्तों ये पोशाक मैं ज़रूर जन्माष्टमी पे ही पहनाऊंगा, क्योंकि ये इतनी हेवी और इतनी सुंदर बन के तैयार हुई थी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। अभी मेरे पास में जो एक ये है
जो लंबे वाले पैचेस थे तो वो वाले पैचेस में क्या कर रहा हूँ, ऐसे सेंटर में लगा रहा हूँ ताकि जो हमने लेसेस लगाई है गोटा वाली वो फिनिशिंग के साथ में दिखाई दे, ऊपर साइड में ऐसे ऊपर नीचे दिखाई दे रहा था तो वो जो है हम कवर करने के लिए इसे पैचेस राउंड में मैं चिपका रहा हूँ। अगर आपके पास पैचेस नहीं है तो लेस भी चिपका सकते हैं, कोई भी हेवी वाली वो भी अच्छी लगेगी। तो पैचेस राउंड में मैंने चिपका दी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मेरी पोशाक बन के तैयार हुई थी। कृष्ण जन्माष्टमी पे या फिर छठी पे आप भी इसी टाइप से ठाकुर जी के लिए पोशाक बना के रेडी कर सकते हैं, और फिर पोशाक बनाने के बाद में मेरे साथ में फ़ोटो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के जो कमेंट्स है, तो कुछ कमेंट्स करे थे कुछ लोगों ने, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। हर्षिता प्रजापति, कुंज कृपा विद्रु, रचना जे और डॉली राठौड़ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। राधे राधे।